नमस्कार दोस्तों, आज मैं गुवाहाटी में रिलायंस सेंटर के पास स्थित श्रद्धांजलि पार्क में आया हुआ हूँ। यहाँ पे साथियों के साथ घूमने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है और इसमें छोटा सा एक लाइट एवं साउंड सिस्टम भी इस पार्क में लगा हुआ है। और पार्क में एक एम्फीथिएटर के साथ स्वस्थ और सुव्यवस्थित परिस्थिति है और यहाँ पर कई बार संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसमें बच्चों के लिए खेलने का मैदान भी है, एक रोशन फुब्बारा भी है। ये सारे चीज़ें इस पार्क के अंदर है। चलो था, थोड़ा को बुलाया था घूमने के लिए, मेरे साथ इसने साथ किया पार्क में घूमने के लिए। मेरा पहली बार है यह इस पार्क में और पहले कभी नहीं गया था। ये गया था, इसको इन्फॉर्मेशन था इसलिए जानकारी दिया था ये पार्क के बारे में। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर घूमने के लिए, वाटर है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए हैं। और टिकट वगैरह भी लेते हैं यहाँ पे, टिकट 30 रुपये का है। और मॉर्निंग पे जब आप आओगे, मॉर्निंग में फ्री रहता है ना, 7 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे से 8 बजे तक फ्री रहता है यहाँ पे। और ये जू रूट के पास में है, जू रूट के सेंट्रो मॉल है, सेंट्रो मॉल के एकदम जस्ट नियर में ये पार्क है। देखो कितना बहुत ही खूबसूरत पार्क है यार। और बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आता है, रील्स बनाने के लिए आता है। यहाँ पे बहुत ही वीडियो बहुत अच्छा आता है यहाँ पे इस पार्क में। ये देखो सभी लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, तरुण गोगोई देव ने महानगर, ये सारी चीज़ें। और यार भी तो ग्रीन एरिया से बगीचा वगैरह दुनिया दुनिया से। আৰু ইভিনিং আৰু মৰ্ণিঙত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, জগিং কৰিবলৈ বহুত ই ভাল আছে ইয়াত। চলো এ দেখো সারা একদম অকম দাং না, ইয়াতে পানী পুৰা ওপৰ উঠা হয় অলগ অলগ তৰিকে সে। और यहाँ पे हरा भरा क्षेत्र है, बहुत सारे सुंदर बगीचा वगैरह भी है। यहाँ पे बैठने के लिए भी हर जगह पे बना के रखा है और इसमें बच्चों के खेल के लिए भी मैदान वगैरह है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए बना के रखा है यहाँ पे। और बहुत सारे इसके बाद ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर उठने के बाद बहुत सारे चीज़ें बैठने के लिए सीढ़ी वगैरह है ऊपर। इसके बाद एक महल टाइप का मिलेगा, उसमें मैं गया। ये राउंड टाइप की महल टाइप का बना के रखा है फील्ड के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। बहुत ही सीनरी अच्छा है, बहुत ही डिज़ाइन किया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। इसमें बच्चों के खेलने के मैदान के साथ साथ पास में एक तालाब जैसा पोखरा बना के रखा है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर मछली है, बहुत खूबसूरत मछली है। और ये सीढ़ी वगैरह और कुछ चीज़ें अभी डेकोरेट कर रहा है, मरम्मत कर रहा है इस फील्ड को। ये कर्मचारी वगैरह भी लगा हुआ है। कितना हरा भरा सुंदर बगीचा है, बहुत ही साफ सुथरा है यार, बहुत ही खूबसूरत है। और ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं उनकी मम्मी पापा के साथ, पूरा बूढ़े बच्चे सारे सब तरह के आदमी यहाँ पे फील्ड में देखने को मिलेगा, छोटे से लेकर बड़े से सभी अपने अपने एक्टिविटी करते हुए मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहा है इस फील्ड में। देखो सारे लोग, कोई दौड़ रहा है, कभी बैठ रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है। बहुत ही सुंदर बगीचा है, वाह बहुत ही अच्छा है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।